नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर कुछ कुछ देखते हुए मैं एक छोटे से वीडियो पर अटक गया। उस वीडियो में हार्डली 1.5 साल का 2 साल का एक बच्चा था जो दिखाई दे रहा था, और जो नहीं दिखाई दे रहा था शायद उसके पापा थे या कोई रिश्तेदार था, जो उससे कह रहा था कि बोलो हम लेके रहेंगे आज़ादी, और वो बच्चा अपनी तोतली जुबान में उसको रिपीट कर रहा था हम लेके रहेंगे आज़ादी। ये कौन लोग हैं जो बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं सीखता है, वो ठीक से चलना भी नहीं सीखता है, उसे चीज़ों की समझ भी नहीं होती है, उसे ये भी पता नहीं है कि वो किस परिवार में जन्मा है, किस जाति में जन्मा है, किस धर्म में जन्मा है। उसको शायद जो आबो हवा है देश की, समाज की, परिवारों के बीच की, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप एक मासूम मन को जन्म लेने के कुछ ही समय बाद किस तरह की मानसिकता में धकेल रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग आप उस बच्चे को देना शुरू कर रहे हैं, इस बारे में जब हम सोचते हैं तो भीतर से कई तरह के भाव उठते हैं। हमने आपने पूरे देश ने अभी हाल ही में ये देखा है कि किस तरीके से JNU का एक छात्र अलीगढ़ में, बिहार में, JNU में, दूसरी जगहों पर लोगों को, समाज को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से विश्वमन कर रहा है और किस तरह की बातें कर रहा है। ये अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार हो रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिनका उपयोग हम यहाँ इस मंच पर कर भी नहीं सकते हैं, इस तरह की बातें। असम को भारत से काट दीजिए, भारत को फला जगह से काट दीजिए तो ये हमारी बात मानेंगे, इस तरह की बातें करना। बहरहाल उसके खिलाफ़ तो अरुणाचल प्रदेश में भी, असम में भी, दिल्ली में भी, अलीगढ़ में भी मामले दर्ज कर लिए गए हैं, टीमें बन गई हैं, उसकी देर सवेर गिरफ्तारी भी होनी ही है, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चलना ही है कि वो किस तरीके से और किस कोज के लिए लोगों को भड़का रहा था, देश के खिलाफ कानून व्यवस्था के एक हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दूसरे दलों ने भी, नेताओं ने भी उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है, और यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी, कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी कहा है कि इस तरह की छूट किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। चलिए, मैं ये मानता हूँ कि ये एक अच्छा मूव है, सभी तरफ से एक समर्पित आवाज़ उठ रही है कि अगर कोई देश को तोड़ने की बात, देश को काटने की बात अगर करता है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर जब हम डेप्थ में सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं कि आखिर ये हालात बार बार पैदा क्यों होते हैं, इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं, इस तरह के नारे क्यों लगते हैं, फला फला की आज़ादी, इसकी आज़ादी, उसकी आज़ादी, ये आज़ादी के नारे लगाने वाले कौन लोग हैं और इसके पीछे का मेन मकसद क्या है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप समाज को और देश को कितनी बार डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्या 47 में जो एक विभाजन हो गया था वो पर्याप्त नहीं है? जिनको पाकिस्तान जाना था वो जा चुके, जिनको हिंदुस्तान में रहना था वो हिंदुस्तान में हैं। फिर बार बार ये स्थितियां परिस्थितियां, और क्यों कुछ कुछ क्षेत्रों को कुछ कुछ मुद्दों पर सुलगाने की कोशिश की जाती है, ये कौन लोग हैं? कई बार जब चर्चा होती है मित्रों में बैठ करके, और कुछ मित्र
किसी खास संप्रदाय के बारे में, खास समुदाय के बारे में, कुछ खास गुटों के बारे में चर्चा करते हैं नाराजगी से, गुस्से से, तो मेरा ये कहना होता है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ, करीब करीब 2 करोड़ लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे, भारत से पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान से भारत की तरफ, और एक मोटा अनुमान है कि 10 से 12 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया था पश्चिमी पाकिस्तान में भी और पूर्वी पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी। क्या इतना बड़ा रक्तपात या इतनी बड़ी पलायन की त्रासदी भारत के अलावा विश्व के किसी भी कोने में कभी हुई है क्या? अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन चीज़ों पर अगर हम बहस करें और इसे लेकर के बैठ जाएं, तो ये वैसे ही होगा जैसे आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेहरू जिम्मेदार थे, जिन्ना जिम्मेदार थे, गांधी थे, या माउंटबेटन थे, या कौन था, ये अब सोचने का, बताने का, जिरह करने का, बहस करने का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ भी निकलने वाला नहीं है। जो मर गए उस समय वो जिंदा होने वाले नहीं हैं, जो जिस तरफ चले गए अब उनकी वापसी उतनी आसान नहीं है, और जब वापसी के प्रयास किए जाते हैं, ढील दी जाती है कानूनों में, संशोधन किए जाते हैं, और जिनको ये लगता है कि हमने वहाँ जा करके या वहाँ रह करके गलती कर दी है, वो हमारा फैसला सही नहीं था, हमें जो नागरिक के रूप में अधिकार होने चाहिए उनसे वंचित किया गया है, या हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम सम्मानजनक तरीके से जीवन बसर नहीं कर रहे हैं, या हमारे परिवार महफूज नहीं हैं जितना के होने चाहिए, तो ऐसे लोगों को अगर कंसिडर किया जाता है, एक मौका दिया जाता है कि आप आइए, तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है। और सियासत भी किस स्तर की, झूठ के बल पर, अफवाहों के बल पर एक दहशत का निर्माण करना, और उसे फिर वोट बैंक की फसल के रूप में काटने की कोशिश करना। और हमारे यहाँ ऐसे लोगों की तो कोई कमी है नहीं जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं पर सहज ही यकीन कर लेते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, उकसावे में आ जाते हैं, भड़क जाते हैं, तोड़फोड़ पर आमादा हो जाते हैं, उग्र प्रदर्शन, आगजनी और ये सब इस तरह की चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। पिछले दिनों हमने आपने ये मंजर देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के हालात पैदा करते हैं, इस तरह लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, झूठ बोलकर भी वोट की फसल काटने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इनको एक्सपोज क्यों नहीं किया जाता है? और हम देखते हैं कि अलग अलग टीवी चैनल्स पर, मीडिया के माध्यमों पर ये किस तरीके से छाए रहते हैं। जो नेशन के प्राइड करने वाले मुद्दे हैं उनको मीडिया में उतनी जगह नहीं मिलती है जितनी जगह इनके जहरीले बयानों को मिल जाती है। तो ऐसे मौके पर जबकि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं या इस तरह के हम राष्ट्रीय पर्व जब मनाते हैं, तो हमें कम से कम ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि हमारा देश, हमारा मीडिया, हमारा तंत्र किन के हाथों में खेल रहा है, कौन लोग हैं जो देश को तरक्की की तरफ बढ़ने से बार बार रोकते हैं और कुछ ऐसे अनवांटेड इश्यूज़ को बीच में ले आते हैं और लोगों को भड़काने की, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मैं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर मीडिया की भी देखता हूँ कि वो अपनी TRP के लिए, अपने राजस्व के लिए समाज का और देश का इतना अहित कर जाते हैं कई बार कि एक मीडिया कर्मी होने के नाते, पिछले 3.5 दशक में लगातार मीडिया में काम करते रहने के बाद खुद को शर्म आती है कि आज का मीडिया किस तरफ जा रहा है, उसमें इस कदर भटकाओ, इस कदर नैतिक पतन क्यों दिखाई देने लगा है। केवल एक किसी सेक्टर को हम जिम्मेदार बता दें कि मीडिया ही जिम्मेदार है, नहीं, मीडिया भी जिम्मेदार है, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और चुनाव जीतने के जो हथकंडे होते हैं वो भी जिम्मेदार है, हमारी व्यवस्थाएं भी जिम्मेदार हैं, हमारा पुलिस, हमारा प्रशासन, हमारा न्यायिक क्षेत्र सब इसके लिए जिम्मेदार हैं।
क्योंकि जब जब इस तरह के हालात क्रिएट किए जाते हैं, समाज को तोड़ने के, देश को बांटने के, जहरीले भाषण देने के, और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती भी है, तो कई बार जांच एजेंसियां, कई बार जो हमारा जस्टिस के लिए बनी हुई अदालतें हैं, वो डिले करती हैं, और बहुत सारे मामलों में तो कार्रवाइयां ही नहीं होती हैं। बड़े सहज भाव से 144 तोड़ दी जाती है, बड़े सहज भाव से जो दंगों में शामिल होते हैं लोग वो छूट जाते हैं, बहुत कम इन मामलों में सजाएं होती हैं, और सजाएं होती भी हैं तो 10 साल 15 साल कई बार 20 साल बाद होती हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक हम सुधारेंगे नहीं, और जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि एक वीडियो में 1.5 साल के बच्चे को, जिसने अभी अभी बोलना सीखा है, उसे अगर आप ये नारे लगवाएंगे कि लेके रहेंगे आज़ादी, तो फिर ये जो माँ बाप के भेजे में गोबर भरा हुआ है, किसी ना किसी वजह से जो एक हताशा है, निराशा है, कहीं कोई नाराज़गी है, वो आप अगली पीढ़ी को दे करके जाएं, और ये जो नफ़रत का भाव है, ये जो अलगाव का भाव है, ये आप अगली पीढ़ी को भी उसमें जलने के लिए छोड़ दें, ये कहाँ की समझदारी की बात है? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब खेल चलता रहेगा? ज़रा इसके बारे में सोचिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।